गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेवियश ऑफिशियल। कैसे हो आप सब लोग? तो यार मैं और यश रेडी हो गए और हम लोग निकल गए हैं घर से, क्योंकि एक रेस्टोरेंट है जिसने हमें इनवाइट किया है टू एक्सप्लोर देयर प्लेस एंड टू टेस्ट देयर डिलीशियस फूड। सो बस अभी हम लोग निकल गए हैं घर से, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर मैं आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या एम्बियंस है उस प्लेस का। तो यार चलो चलते हैं और देखते हैं साथ में। तो हम पहुँच गए लोकेशन पर और यार बारिश भी अभी आनी थी, बट ठीक है, ज़्यादा दूर हम लोग को गाड़ी पार्किंग नहीं करी तो हम फटाफट अंदर आ गए। तो हम आए हैं कातराज में राजस्थानी गुजराती थाली खाने, स्पेशली घेवर थाली रेस्टोरेंट में। तो यार आप बाहर से एम्बियंस देख सकते हो, प्रॉपर राजस्थानी थीम पर उन्होंने पूरा एम्बियंस को रखा है और यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम हुआ टीका वगैरह लगा कर। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं कि एम्बियंस कैसा है। उससे पहले बाहर ये दो खड़े दरबानों को भी आप देख लीजिए, तो इनके साथ भी हमने वापस आके फोटोज वगैरह क्लिक करवाए थे। अब चलते हैं अंदर। तो यार हम ना थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे, शाम में यहाँ पर 7 बजे स्टार्ट होता है थाली सिस्टम, तो हम लोग ही फर्स्ट कस्टमर थे यहाँ पर। तो अभी आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा, बट थोड़ी देर में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो अभी चलते हैं अंदर और यार सामने जाते से ही इतनी सुंदर सी ये जो हमें पेंटिंग दिखी है, इतनी सुंदर लग रही थी ना यार। मतलब ये एक ऐसे 2-3 वॉल्स पर अलग अलग पूरा पेंट करा हुआ था, यू नो पूरा राजस्थानी वाइब्स आ रहा था। और अब आ जाते हैं मेन काम जिसके लिए हम लोग गए थे यार, खाना खाने, थाली खाने स्पेशली। तो यार आप यहाँ पे देख ही सकते हो कुछ 20+ वैरायटी की डिशेस थी, जिसमें 3-4 तरह की दाल थी, 3-4 तरह की सब्जी थी, 2-3 तरह की स्वीट डिश थी। तो यार यहाँ पर ना रोज़ मेन्यू चेंज होता है, तो आज के जो मेन्यू में मेन स्वीट डिश थी वो थी पाइनएप्पल का हलवा, यस, जो कि बहुत ही टेस्टी था। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो सेकेंड था वो था रबड़ी मालपुआ, तो यार वो भी मालपुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यार पुणे में ये सब खाने आपको नहीं मिलता है, लाइक मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने यहाँ पर कभी भी ऐसे मालपुआ नहीं खाया है। तो यार अगर आपको भी राजस्थान के अगर आप हो और आपको वहाँ के खाने की याद आती है तो एक बार तो विजिट करना यहाँ पर बनता ही है। और जैसे कि आप यश को देख सकते हो, वो तो खुद ही एक राजस्थानी है, तो उससे तो बड़ा ही मज़ा आ गया यहाँ पर आके। ये देखो गाइस इतना अच्छा खाना था कि पूरी थाली चट हो गई है यहाँ पे, मस्त पेट फुल एकदम मस्त मजा आ गए। सो ये सब आपको, ये पूरी थाली आपको खाने मिलेगी सिर्फ 250 रुपीज़ में। यार इतना सस्ता तो और कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी आप ये सब चीज़ें खा सकते हो यहाँ पर, लस्सी वगैरह आप पी सकते हो, बट उसके थोड़े मिनिमल चार्जेस है, विच इज़ वेरी फाइन यार, इतने सस्ते में अगर आपको मिल रहा है। और आप पान वगैरह भी यहाँ पर खा सकते हो। और ये यहाँ पे यश को देखो, ये सौफ और मिश्री तो ऐसे खाता है जैसे खाना खा रहा हूँ, मतलब इतना सारा खाता है, इसका बस नहीं चले, नहीं तो घर भी लेके आ जाए। और जैसे ही हम लोग बाहर गए तो हमने देखा यहाँ पर अंकल बच्चों को ऐसे टैटूज बना रहे थे। तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, कभी कभी यहाँ पर पोट्री भी होती है। सो गाइज हमने खाना खा लिया और खाना काफ़ी अच्छा था, लाइक सब्जी का टेस्ट एंड स्वीट डिश वगैरह भी काफ़ी टेस्टी थी। तो चलो यश से भी पूछते हैं उसका ओपिनियन क्या था। खाना तो यार बहुत टेस्टी था, मेरे को तो ड्राइव करना है, वरना सैभी तो यही बोल रही है यार पेट भर गया, अब नींद आ रही है। सीरियसली यार बहुत नींद आ रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है बस मैं सो जाऊँ, और मैं तो सो भी सकती हूँ, यश बेचारा कैसे सोएगा, इसको ड्राइव करना है। और यार एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, मतलब उसका थीम ही था राजस्थानी गुजराती, तो पूरा थीम जो था वो राजस्थानी पे बेस था और सारे सॉन्ग्स वगैरह भी राजस्थान से ही चल रहे थे। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको बिल्कुल एक फील आ जाएगा वहाँ का, राजस्थानी वाइब्स आ जाएगी। यश को तो आ ही गई थी वहाँ पर, यश तो डांस कर रहा था, आपने देखा ही होगा वीडियो में। यार इसका लोकेशन था कातराज, तो अगर आप लोग कातराज के आसपास ही रहते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करना बनता है, बिकॉज बहुत ही रीजनेबल है, लाइक थाली का प्राइस इज़ ओनली 250 रुपीज़, अनलिमिटेड थाली है, तो बहुत ही अच्छा था टेस्ट वाइज, एम्बियंस वाइज, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और दूर वाले भी आ सकते हैं यार, ऐसे नहीं है कि दूर वाले नहीं आ सकते, हम भी आए ही हैं, तो या आप लोग भी आ सकते हो और देख सकते हो कैसे लगा आप लोगों को भी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो यार बस अब घर जा रहे हैं और घर जाते से यार मैं तो सोने वाली हूँ, क्योंकि कल से अगेन ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। और बस यही है अपडेट, और कुछ खास है नहीं। तो
तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय।